मछली के तेल का सेवन तो आपने किया ही होगा, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मछली के तेल का सेवन करने से हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, डिप्रेशन, सोराइसिस, डायबिटीज, पेट में अल्सर, आँखों का सूखापन आदि तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बच्चों में अस्थमा के खतरे को कम करने के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन सर्जरी से पहले मछली का तेल खाना बंद कर देना की सलाह दी जाती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में बात सामने आई है कि मछली का तेल सर्जरी में ब्लीडिंग की समस्या को दूर कर सकता है। अभी तक माना जाता है कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग के जोखिम को कम करने के लिए मरीजों को सर्जरी से पहले मछली का तेल लेने से मना करने की सिफारिश की जाती है, या जो मरीज मछली का तेल ले रहे हैं उनकी सर्जरी में देरी करने की सिफारिश की जाती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च से पता चला है कि मछली का तेल हाइपरट्रिग्लिसेरिडेमिया या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे आम प्राकृतिक उपचार है। मछली के तेल में पाया जाने वाला जानलेवा ओमेगा 3 सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग के जोखिम को कम करता है। ये रिसर्च सर्कुलेशन नाम से जर्नल में प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्लड में ओमेगा 3 की उच्च मात्रा EPA और DHA मिलकर रक्त स्त्राव के जोखिम को कम करता है। ये रिसर्च कुल 1516 मरीजों पर की गई जिनकी कार्डियक सर्जरी होनी थी। आधे मरीजों को ओमेगा 3S का डोज दिया गया, जबकि आधे मरीजों को प्लेसबो दिए गए। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि रिसर्च के दौरान पाया गया कि जिन मरीजों को ओमेगा 3S दिया गया था उनमें सर्जरी के दौरान चढ़ाने के लिए कम यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी। ओमेगा क्वांट के संस्थापक बिल हैरिस ने कहा कि इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि कार्डियक सर्जरी से पहले मछली के तेल का सेवन रोकने या सर्जरी में देरी की जो सिफारिश की जाती है उस पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है। ओमेगा 3S खास तौर से EPA और DHA हृदय, मस्तिष्क, आंखें और जोड़े के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस मूल्यवान फैटी एसिड का पर्याप्त सेवन नहीं करते, जो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों का जोखिम बढ़ाता है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।